भाई हम जाए जंगल में बहुत, और मन्नु की लग गई वोट। तो गाइस मेरा नाम है मयंक, आज हमारा डे टू, हमारा डे टू एक और आज जंगल डे टू विद मन्नू जंगल सफारी। ज्यादा बड़ी तो नहीं है बट अभी तो ये गाइस अच्छी खासी चढ़ाई तो है उस तो तरफ। अब हम इस तरफ हैं और यहाँ पे हैं इस पॉइंट पे, ये पूरा एक बहुत बड़ा चक्कर होगा और हम वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे बिल्कुल सामने। ये नर्सरी है, यू नो थोड़ा पेड़ जैसी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। ये मनु सुसु कर रहा है, हम आ गए हैं वन विभाग औद्योगिक शाला। चलें डे टू सफारी विद मनु। कितना बड़ा जंगल है, कल जाएंगे हम वहाँ पे। ये इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, कैमरे की एक्विजिंग कैप्चरिंग क्वालिटी इतनी खास नहीं है यार। वीवो V27 नॉट वर्थ इट प्रो, पास से काफ़ी बढ़िया है बट ऐसी इमेज को कैप्चर नहीं कर पा रहा, या फिर तानी जो यूट्यूबर्स करते हैं वो ग्रेडिंग से करते हैं कुछ खास, मतलब जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले। देखो देखो वो एरिया देख रहा ना, बिल्कुल यहाँ से मेरी आंखों से देख रहा ना ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक स्पॉट है कोई, बिल्कुल मस्त। ये तो बस एक जनरली रास्ता है यहाँ से निकलने वाले, यहाँ पे मतलब नॉर्मली बच्चे दौड़ लगाते हैं हमारे गांव के पीछे से है। ये काफ़ी बड़ा रास्ता है, मे बी 2 किलोमीटर समथिंग है ये पूरा रास्ता, ऐसे घूम कर है ये। वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे, ये आसपास में हमारे, मैं तो जंगली बोलता हूँ इसे। भाई साहब क्या मस्त व्यू आ रहा है, थोड़ी इसको कम बढ़ा के देखते हैं। ठीक ही है काफ़ी, मेरे को तो अच्छा लगता है भाई, बाकी सबकी अपनी अलग चॉइस होती है। कैसा लगा मनु तेरे को एरिया? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जंगल लग रहा है या नहीं? नहीं, ये थोड़ा बहुत जंगल लग रहा है, थोड़ा बहुत है। कल इसके अंदर चलेंगे तब बताना, ठीक है? ठीक है, कल पता चलेगा कैसा जंगल है मनु को। ठीक है मनु, ठीक है, उम्मीद करूँ अच्छा लगे इसको। अब देखो जरा, अब देखो उस तरफ, अब लग रहा है जंगल? सच्ची बता, झूठ मत बोलियो। देखो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट है भाई, चाहे कोई पिकनिक कर लो नॉर्मल स्प्रिंग मौसम में। 800 मीटर होगा सामने कट आएगा ना, जब मतलब सूरज अच्छी तरीके से दिखने लग जाएगा वहाँ से व्यू, कुछ स्कूल्स भी दिखेंगे वहाँ से, तब जाके 800 मीटर कवर होगा। और अभी तो तेरे को इससे दुगना या 3 गुना लगा ले, मतलब ये अभी तक जितना भी हमने एरिया कवर किया ना वो 800 मीटर भी पूरा नहीं हुआ, लगभग 700 मीटर हो गया, तो इससे इतना ही 2 टाइम्स और करना है अभी तो हमें, ठीक है? समझ गया, तो बेशक शिकायत मत कर, कुछ नहीं होगा शिकायत से, ठीक है? ले अपने सब्सक्राइबर लोग को बोल कुछ। भाई हम जाए जंगल में बहुत, और मनु की लग गई वोट। ये कल दूसरों की बात लगा रहा था, 2 किलोमीटर ये सब तो मैंने इनको बता दिया, तो इन लोगों को वो बात बता तेरे साथ क्या हो रहा है, तू थक गया क्या? हाँ, और ये मेरे को क्या बोल रहा है, गोदी उठा लो? नहीं, गोदी तो मैं इसको तभी उठाऊंगा जब मुझे लगेगा कि सच में थक गया हूँ मैं भी, क्योंकि मैं जब थक गया हूँ मतलब यार ये बहुत ज्यादा थक गया होगा उस टाइम तक, तो ठीक है ना। हाँ, जब सूरज बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो जाए मतलब हम आ चुके हैं 800 मीटर तक, अभी इसका 2 टाइम्स और कवर करना है। रास्ता ऐसे ही है, चलते जाओ जंगल के साथ। ये तो एक्टिंग कर रहा भाई बेवजह, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पे यार, ये पता ही नहीं कैमरा ही क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहा है। या मैं साइड ट्राई करूँगा वीडियो डालते टाइम, ग्रेडिंग कर दूँ ताकि आप लोग भी देख पाओ। अच्छा, मेरे को तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग आती लाइक साउथ अफ्रीका में हूँ मैं। अच्छा, तो चल ना थक गया अभी नहीं बैठा, तेना पर फेंक दू खेता में, तो चल तू देखता रह और चलता रह। कुछ कुत्ते थे, मैंने मन्नू को सच्ची में डरा दिया कि वो शेर था और ये डर के मारे भाग गया था।
मैंने तेरे साथ प्रैंक कर दिया प्रैंक हो गया मनु के साथ तो सच में डर गया था। आजा कोई ना, एक मिनट मनु मेरे को थोड़ी काम की बात करने दे। हम लोग पैसा कमाने के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि जिस इन्वायरमेंट को लोग बोलते हैं, लाइक कई इन्फ्लुएंसर बोलते हैं बाबा की दया थे यहाँ पर हरियाणा न्यू, भाई कुछ हरियाणा नहीं बचा यार, कोई पंजाब नहीं बचा, सभी जगह बर्बादी है। सिर्फ ये देखो मेरे को नाम थोड़ा पढ़ने में गलतफहमी हो गई, बट इतना जरूर पता है ये केमिकल है, इन खेत में मिलाए जाते हैं। ये सरसों है शायद, देखो मेरे को इन चीज़ों की कुछ खास नॉलेज तो नहीं है, बट इतना पता है शायद इसको पीस वगैरह कुछ करके इसका ऑयल बनाया जाता है सरसों का, सरसम बोलते हैं इसको। हाँ तो यार ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हरियाणा में अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हरियाणा इतना अच्छा है, पंजाब इतना अच्छा है, हिमाचल इतना यार, हर जगह पैसों के पीछे दुनिया इतनी पागल हो गई है, उन्हें सिर्फ पैसों से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ पे भी जिसको बोलते हैं नेचुरल चीज़ें, कुछ नेचुरल नहीं है भाई, कोई वाइब नहीं है यहाँ पे। हाँ कुछ जगह हैं जहाँ पे नेचुरल वाइब है, बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे, सब अपने चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। यार हमारे खाने पीने में इतना फ़र्क है, हमारे दादाजी जो हैं दादी जी हैं वो आज भी इतना काम कर सकते हैं, बट हमारे जो माँ बाप हैं, खुद मेरी मम्मी मेरी आंटी ताई जो भी हैं, उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो 2 घंटे तक काम कर ले, उनकी तबीयत खराब हो जाएंगे, वो गिर जाए। अरे उनको छोड़ो, हमारे अंदर पावर नहीं है। थोड़ा सा मैं भागा था, मेरी इतनी पावर भी नहीं लगनी चाहिए थी, बट मेरे को सांस चढ़ गया। ओह सो मन्नू तेरा क्या होगा यार, जब तू मेरे जितना बड़ा होगा, और इन सब के पीछे रीजंस बता देते हैं, मास्टरबेशन को एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं, एक्चुअल रीजन यही है यार बर्बादी। ये रास्ते में थोड़ी दूर मैंने वहाँ पे व्लॉग बंद किया था, और यहाँ पे पेड़ मिला, ये पेड़ ये नेचुरल है, ये नेचुरल पता है कैसी है, क्योंकि ये नॉर्मल कोई बीज गिर गया उड़ के आया किसी भी प्रोसेस से जनरेट हुआ, चाहे किसी इंसेक्ट के द्वारा आया, ये नेचुरल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्प्रे नहीं की गई है आउटसाइड केमिकल। और ये घास जिसे हम फाड़ देते हैं ये भी सब नेचुरल है, पता नहीं इससे ऑक्सीजन मिलता भी है नहीं है यार, हमने पढ़ा क्या पता नहीं 11th 12th या उससे पहले लाइफ में, कुछ नहीं पढ़ा भाई, पढ़ते तो आज पता होता ऑक्सीजन किससे मिलता रहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इनसे ऑक्सीजन मिलता भी है या नहीं। एक देख इसको अलग तकलीफ है, मान लिया भाई day 2 मनु जंगल सफारी है, बट थोड़ा काम धंधा भी करने देगा आराम कर। एंड व्यू ऑफ आवर जंगल एंड आवर डेस्टिनेशन इन 5 मिनट्स, सब कुछ तो ठीक है, बट मनु दिखाई नहीं देगा। ये रहा मनु, पीछे तो देखो थक गया साला आराम कर, आलसी कीड़ा नीचे उतर मेरी गर्दन बीच दी। एज यू कैन सी द डेस्टिनेशन इज देयर, वो वही जगह आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये मनु है, ये मैं हूँ, और तुम्हें कुछ लोगों को कुएं देखने हैं। कमेंट तो नहीं किया, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लुक लुक इट्स टू डेंजरस, अगर हम गिरे तो दोनों जाएंगे, तुम लोग ही देख लो, हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग गोदी चलो बोलो ब्लॉग को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, खराब नहीं सब्सक्राइब करो, हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था, बट एक चीज़ रह गई, जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा तो अभी भी हूँ मेनली, जब मैं 4th या 5th क्लास में था ना, तब ये पेड़ मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, अभी भी अच्छे लगते हैं, वो मतलब ये कुछ अलग है, यूनिक से पेड़ हैं, जाओ आस पास इतने पेड़ उनके मुकाबले यूनिक पेड़ है ये वाला। ये देखो 2 पेड़ रहे, ये पेड़ कितना बड़ा है, और मन्नू कितना छोटा सा है, पेड़ कितना बड़ा है।